हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लिम्स हब पर। सीटेट 2023 20 अगस्त को जो पेपर हुआ था सीटेट का, ठीक है, ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट हुआ था, अब की बार ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर हुआ था, तो उसके बारे में तीन चार चीजें बातें करनी थी। उसके लिए मैंने वीडियो डाला आंसर की, कब तक आ जाएगी फाइनल आंसर की, ठीक है, रिजल्ट कब डिक्लेयर हो सकता है और इसके पासिंग मार्क्स क्या है, पेपर का लेवल क्या था, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, उस चीज के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आंसर की जो है, सीबीएसई ने कंडक्ट करवाया था सेंट्रल एग्जाम, ठीक है, और वो बहुत ही जल्दी करता है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो आंसर की है वो 7 to 10 days के अंदर आप लोगों की आंसर की डिक्लेयर हो जाएगी। इसका क्या मतलब, 20 अगस्त को आपका पेपर हुआ है, इसका मतलब 28 अगस्त के बाद और फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में आप लोगों की आंसर की डिक्लेयर हो जाएगी। कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। जो पिछले पेपर जो ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट हुए थे उसकी भी आंसर की विद इन 7 days या 8 days में आ गई थी, इसलिए आप लोगों की जो आंसर की है वो 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, 28 अगस्त के बाद और फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर आप लोगों की आंसर की आ जाएगी। रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो रिजल्ट आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 20 से 25 दिन में आ जाता है, 20 to 25 days में रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो 20 अगस्त से आप लोग 20 से 25 दिन गिन लीजिए, यानी 15 सितंबर के बाद या लास्ट एंड ऑफ सेप्टेम्बर, मतलब लास्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर में आप लोगों की इसका रिजल्ट भी आ जाएगा सीटेट का, ठीक है। और जो भी आंसर की आई है आप लोग उससे मिला के देख लीजिए आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये सभी आंसर क्या सेम है, कोई भी जो ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला इसमें है नहीं। दोनों पेपर में, पेपर वन और पेपर टू में, टू में अलग अलग सब्जेक्ट है, तो उसमें अलग अलग कोई भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो आप लोगों के ऑब्जेक्शन आए, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और एक और चीज की है ना, आंसर की आती है उसके बाद आप लोग जो भी, जैसे सीबीएसई ने कोई आंसर की निकाली तो आप लोग उसको क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो, कि आपको लगता है कि यार ये आंसर नहीं हो सकता, तो आप लोग उसको चैलेंज भी कर सकते हो विद इन 2 या 3 दिन के अंदर, जो रिजल्ट देखने के बाद शायद नहीं होता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स जो रहेगा वो जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स है, 150 मार्क्स का आप लोगों के पेपर होता है, 150 मार्क्स, ठीक है, इसका आप लोगों के 150 मार्क्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो जनरल वालों के लिए जो पासिंग मार्क्स रहता है वो 90 मार्क्स रहता है, ओबीसी एससी एसटी के लिए रहता है 82। फीमेल को अलग से कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, अगर वो जनरल की फीमेल है तो उसको 90 लाने हैं, ओबीसी एससी की है तो उसको 82 लाने हैं, ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया रहता है। क्योंकि इस वाले पेपर से आप लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल रही, ठीक है, ये खाली क्वालिफाइंग पेपर होता है, डीएसबी, ठीक है, केवी, नवोदय, उन सब के लिए आप लोगों के लिए क्वालिफाइंग पेपर रहता है। तो ये चीज रहता है। पेपर का लेवल इस बार कैसा था, इस बार सिंपल नहीं कह सकते, पर मॉडरेट लेवल पेपर आया था, ठीक है, क्वेश्चन कोई पार्ट इजी डाला था तो कोई पार्ट थोड़ा सा मॉडरेट किया था। तो ये चीजें सीटेट 20 अगस्त 2023 में हुआ था। और हाँ, सबसे मेन चीज, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इसमें, क्योंकि एक ही दिन पेपर कंडक्ट करवाया गया था, एक ही पेपर बना था, तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी होने का चांसेस नहीं है, नॉर्मलाइजेशन इसमें बिल्कुल नहीं होगा। तो ये था आंसर की, रिजल्ट डेट, पासिंग मार्क, नॉर्मलाइजेशन। तो ये था हमारा आपका आज का वीडियो। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर बताएं आप लोग कमेंट में, और कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं, कितने आप लोगों के मार्क्स आंसर की से आप लोग मिलाए होंगे, तो आप लोगों के कितने आ रहे कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है, थैंक यू।